हेलो नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब लोग? मेरे कुकिंग चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं ना तो अभी सब्सक्राइब कर दो, और मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगेगा तो बिना लाइक किए मत जाना। मैं आपको यहाँ पे परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ में सूजी का हलवा बनाना सिखाऊंगी, पर आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी तो आपको ये रेसिपी अच्छे से समझ में आएगी। और आपको भी ऐसे ही घर में बना के सबको खिला के खुश करना है। तो सबसे पहले एक छोटे से बर्तन में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी ले लिया है, कितना, 1 स्पून जितना, और उसमें हम ये कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल के इसको हल्का सा 2 या 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश को ले लिया है। इनको थोड़े से घी में ही हमें रोस्ट कर लेना है, इसका सिर्फ कच्चापन हमें दूर करना है, इसको ज़्यादा पकाना भी नहीं है। ज़्यादा पकाने से क्या होगा, ये जल जाएंगे, तो हम इनको एकदम धीमी आँच पर भूनते रहेंगे। तो 2-3 मिनट के बाद इसको हमें निकाल के लेना है। आप चाहो तो कच्चे भी डाल सकते हो, पर ये वाले अगर डालेंगे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ पे मैंने एक चौड़ा बर्तन ले लिया है, तो उसमें मैं यहाँ पे घी डाल रही हूँ। जितना आप सूजी लेंगे उसका आधा आपको घी लेना है। तो यहाँ पे जैसे ही घी गर्म होगा तो आगे की प्रोसेस हम करेंगे, पर उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि घी को आपको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, आप उसको धीमी आँच पर ही मेल्ट होने दें। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 कटोरी जितना सूजी लिया है, तो आप जितना भी सूजी लेते हैं उसका आधा घी लेना है आपको। तो उसके बाद हम इसको एकदम धीमी आंच पे चलाते रहेंगे, आपको बस इसको धीरे धीरे चलाते रहना है। आपको बीच में इसको ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ना भी नहीं है, अगर आप छोड़ेंगे तो ये चिपक जाएगा, जल जाएगा, आधा कलर चेंज हो जाएगा, आधा जल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको आपको चलाते रहना है। आपका ये सूजी ना भुनने में कितना टाइम लगेगा, लगभग 8 से 9 मिनट आपको लगेगा, पर आपको बहुत शांति रखनी पड़ेगी इसके लिए, तभी आपका हलवा बहुत टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पे कलर भी चेंज हो चुका है। तो 7-8 मिनट के बाद ना इसको धीमी आँच पर हमने भून लिया। उसके बाद क्या करेंगे, जितना सूजी लिया है ना हमने उसका 3 गुना हम इसमें गुनगुना पानी डालेंगे। 3 गुना मतलब 1 कटोरी सूजी है तो आपको 3 कटोरी पानी गुनगुना कर लेना है, और अगर 2 कटोरी सूजी है तो आपको 6 कटोरी गर्म पानी ले लेना है, ठीक है। तो ये मेज़रमेंट आपको याद रखना है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको उबालने देंगे। तो जैसे इसमें उबाल आएगा ना तो हम इसको मीडियम आँच पर ढक के 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट, उससे ना कम ना उससे ज़्यादा। तो हम इसको ढक के छोड़ देंगे। तो ये देखिए इसमें उबाल आ रहा है। तो उसके बाद जैसे हम ढक्कन खोलेंगे ना तो फटाफट इसको मिक्स करते रहना है। तो पहला स्टेप है हमें सूजी को घी में पकाना है, फिर दूसरा स्टेप है इसको पानी में पकाना है। तो ये हमने अभी पानी में पका लिया है, तो इसको हम चलाते रहेंगे। तो इसको चलाने के बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो ये हमने पानी में इसको पका लिया, इसके बाद मैंने यहाँ पे दूध मिलाया है। जितनी कटोरी आप सूजी लेते हैं उतना कटोरी आप दूध लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम वापस से इसको दूध में पका लेंगे, ये हमारा 3rd स्टेप है। तो पहले हमने घी में पकाया, फिर पानी में पकाया, और अभी हम दूध में पकाएंगे। तो यहाँ पर हम दूध में इसको चलाते रहेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर, ये आपको कंपलसरी डालना पड़ेगा तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। फिर हमने जो रोस्टेड कर लिए थे ना ड्राई फ्रूट्स कटे हुए, वो भी डालेंगे साथ में, और थोड़ा सा केसर मैंने भिगो के रखा था तो ये भी मैं यहाँ पे डाल लूँगी। ये ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालें, पर अगर डालेंगे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो जितना आप सूजी लेते हैं ना वही कटोरी के मेज़रमेंट्स से आपको शुगर ले लेना है, ठीक है। तो मैंने आपको मेज़रमेंट सबका बता दिया है, जितना सूजी उसका 3 गुना पानी, और जितना सूजी उतना दूध, उतनी शक्कर, और जितना सूजी उसका आधा घी।
तो यहाँ पे हम इसको चलाते रहते हैं तो हमारी शक्कर भी मेल्ट हो जाएगी और इलायची पाउडर भी इसमें मिक्स हो जाएगा और केसर का भी कलर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको 2-3 मिनट के लिए अच्छे से चलाते रहेंगे और उसके बाद हम देखेंगे हमारा हलवा रेडी हो चुका है। तो हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है और ऊपर से थोड़ा सा घी डाल देते हैं, ड्राई फ्रूट डाल के हम इसको गार्निश कर लेते हैं। तो अगर आपको ये वाली मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो ना तो अब भी लाइक कर दो और मेरी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाती रहूँगी।